नमस्कार, मैं राकेश भाटी और अभी आप पढ़ने वाले हैं संत संप्रदाय टॉपिक जो है उसका चौथा पार्ट। ठीक है, पार्ट फोर में अपने संप्रदाय पढ़ेंगे। इनमें सर्वप्रथम आज अपन बात करने वाले हैं वल्लभ। कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय है। ठीक है, नाम है वल्लभ, और वल्लभ संप्रदाय चलाने वाले जो संत थे उनका नाम भी ऐसा ही है। वल्लभ संप्रदाय चलाया था वल्लभाचार्य ने। बहुत इजी बात है, वल्लभाचार्य जी इसके क्या रहे, प्रवर्तक थे। इन्होंने ये वल्लभ नाम का संप्रदाय चलाया। याद रखना, भगवान कृष्ण की स्तुति और कृष्ण भगवान की आराधना इस संप्रदाय में की जाती है। अब देखो, ये जो संत हैं, बहुत सारे संत हैं, जैसे ही वो संप्रदाय चलाएंगे तो वे एक निश्चित नियम बनाएंगे और भगवान को मानने का एक सिद्धांत जरूर देंगे, और उस संप्रदाय के नियमों से संबंधित किताब जरूर लिखेंगे। तो वल्लभाचार्य जी ने पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था अणुभाष्य। बुक का नाम लिखा अणुभाष्य। और भगवान को मानने का जो सिद्धांत है, सिद्धांत मैंने बता दिया। सिद्धांत क्या होती है, क्या होते हैं, मैंने संत संप्रदाय टॉपिक के पहले पार्ट के अंदर बता दिया, सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि सिद्धांत क्या होते हैं। तो इनको, इनके द्वारा भगवान को मानने का सिद्धांत या इनका जो दर्शन है वो कौन सा रहेगा? शुद्धा द्वैतवाद। कौन सा रहेगा? शुद्धाद्वैतवाद इनका क्या रहेगा, सिद्धांत या दर्शन रहेगा। मतलब इनकी धारणा क्या है भगवान के बारे में। शुद्धाद्वैतवाद का मतलब क्या आता है? शुद्ध प्लस अद्वैत, अद्वैत मतलब एक, मतलब ये मानते हैं कि भगवान शुद्ध रूप से कितने हैं, एक हैं, शुद्धाद्वैतवाद। अब देखो, और कई संप्रदाय आएंगे, तीन चार और, जिनमें किताबों के नाम भी आएंगे ऐसे, और शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ऐसे नाम आएंगे। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इनके संत और इनके दर्शन, इनको आपस में मैच कराने में होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हम लोग यहाँ पे, और इनकी लिखी हुई किताबें वगैरह, क्योंकि नाम ऐसे हैं, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद, ऐसे जो नाम रहेंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक का आप ध्यान में रख लेना, शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, तरीका रहेगा यहाँ पे याद करने का, बहुत ही आसान। इसके साथ में एक बात विज्ञान की आपको बता देता हूँ। वल्लभ, वल्लभ बोले तो बल्लभ, बल्लभ देखा लट्टू, बल्लभ बोले तो लट्टू, वल्लभ बोले तो बल्लभ। बल्लभ कब जलता है? जब उसमें अणु इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। बल्लभ कब जलता है? जब उसमें अणु इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। और बल्ब के अंदर, हमने सुना है, बल्ब के अंदर निर्वात रखा जाता है ताकि टंगस्टन के फिलामेंट को शुद्ध रख सकें, ताकि टंगस्टन के फिलामेंट को शुद्ध रख सकें। मैं पुनः रिपीट करूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा, बल्ब बोले तो बल्ब, बल्ब जलता है कब? जब अणु प्रवाहित होते हैं। और बल्ब के अंदर निर्वात रखा जाता है ताकि बल्ब के अंदर टंगस्टन के फिलामेंट को शुद्ध रखा जा सके। इस प्रकार से ये तीन बातें हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से कंठस्थ कर लेंगे। आगे ऐसी चीजें और आएगी, जैसे मध्वाचार्य है उनके बारे में बात आएगी, ये रामानुजाचार्य के बारे में बात आएगी, तो उनको मैं बढ़िया तरीके से क्लियर करवा दूंगा। लगभग 100 में से 99 बच्चों की गरारी इस बात में अटकती है, लेकिन जहां आप अटकते हो वो चीजें वहां मेरे को पता है। उन चीजों का सबसे सरल तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा प्रत्येक वीडियो में। अब देखो, वल्लभाचार्य जी ने अपना काम कर दिया, इसके बाद में क्या हुआ? वल्लभाचार्य जी का एक बेटा हुआ जिसका नाम था विट्ठलदास। वल्लभाचार्य जी का बेटा कौन हुआ? विट्ठलदास जी। विट्ठलदास जी ने क्या काम किया, इस संप्रदाय को फेमस करने के लिए अष्टछाप कवि मंडली बनाई थी। अष्टछाप कवि मंडली थी, कवियों का एक समूह था जिसने भजन कीर्तन के द्वारा, उपदेशों के द्वारा वल्लभ संप्रदाय को प्रसिद्ध किया था। और याद रखना, अष्टछाप कवि मंडली में सूरदास जी भी शामिल थे।
अष्ट छाप कवि मंडली बना दी। ठीक है, अब इसके बाद में अन्य जो अपन बात करेंगे, ये काम हो गया। विठल दास जी के आगे पुत्र हुए, इसके बाद में सात पुत्र थे इनके। विठल दास जी के कितने पुत्र हुए? सात पुत्र हुए। सातों पुत्रों ने सात मंदिर बनवाए। सातों पुत्रों ने भारत में सात मंदिर बनवाए थे, खुद भी सात थे, मंदिर भी सात बनवाए। अब देखो, पहला मंदिर बनवाया इसने नाथ जी का। ये मंदिर बनवाया इन्होंने नाथ द्वारा में, और नाथ द्वारा पड़ता है साथियों राजसमंद में। दूसरा मंदिर इनका है द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश जी का मंदिर है साथियों कांकरोली में, और कांकरोली कहाँ है? राजसमंद में। कांकरो देखा है क्या आपने? कांकरो छोटा सा कोई पत्थर का टुकड़ा, अपने उसको राजस्थानी भाषा में कांकरो बोलते हैं। और कांकरो लगता है ना, जब कांकरो जद लागे, जद टायर फुटे, कांकरो जद लागे, जद कोई भी गाड़ी को टायर फुटे, तो कांकरोली राजसमंद में टायर ट्यूब का कारखाना है। टायर ट्यूब का कारखाना कहां पे है? कांकरोली राजसमंद में है, जेके टायर एंड ट्यूब्स का कारखाना। अब देखो यहां पे तीन नंबर पे तीसरा जो मंदिर यहां पे रहेगा वो रहेगा मथुरेश्वर जी। मथुरेश्वर जी, मथुरेश्वर जी का मंदिर है साथियों कोटा में। कहां है? कोटा में। गोकुल चंद्र जी इनका मंदिर रहेगा कामवन में, कामा तहसील भरतपुर। कामवन कहां है? भरतपुर में। कामवन भरतपुर में गोकुल चंद्र जी। इसके बाद में रहेगा यहां पे तीन हो गए, ये चार। पांचवा मंदिर रहेगा सीधा ही गोकुल जी। गोकुल धाम यूपी में है, तो गोकुल जी का मंदिर गोकुल में है, गोकुल यूपी में है। छठा जो इनका मंदिर रहेगा, छठा मंदिर ध्यान में रखना, छठा मंदिर इनका रहेगा मदन मोहन जी। मदन मोहन जी का भी मंदिर कहाँ है? कहाँ पे रहेगा? कामवन भरतपुर में। तो साथियों ध्यान में रखना, दो मंदिर कामवन भरतपुर में है, गोकुल चंद्र जी का और मदन मोहन जी का। यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना, सातवां मंदिर एक बार मैं कंप्लीट करवा दूं, फिर जरूरी बात आपको बताऊंगा। बालकृष्ण जी का मंदिर, बालकृष्ण जी का मंदिर सूरत में है। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सूरत गुजरात में पड़ता है। ये सूरत है गुजरात में। सूरत सूरत तय से तापती नदी के किनारे हैं। सूरत तय से तापती नदी के किनारे हैं। और सह सूरत सह सात, सह सूरत सह सात, सात बोले तो 1907, 1907 बोले तो 1907 में साथ नहीं थी कांग्रेस। इसका मतलब है कांग्रेस का विभाजन सूरत में 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमने सूरत की बात कर ली है। मदन मोहन जी का मंदिर मैंने यहाँ पे कामवन भरतपुर में लिख दिया है। एक बात और ध्यान में रखना, आपको मैं एक संप्रदाय करवाऊंगा जिसका नाम रहेगा कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है वो, जिसका नाम रहेगा गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय में भी कृष्ण भगवान का एक रूप है मदन मोहन जी। तो गौड़ीय संप्रदाय के जो मदन मोहन जी है उनका मंदिर करौली में है, उनका मंदिर करौली में है। वल्लभ संप्रदाय के मदन मोहन जी का मंदिर कामवन भरतपुर में है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है, जो अपने आगे पढ़ेंगे। यहां तक की इतनी बातें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से और लाइन टू लाइन ये चीजें समझ में आई होगी। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ध्यान लगा के पढ़ो, बहुत ही इजी चीजें हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। ठीक है, तो यहाँ तक के मंदिर हमने, मंदिर वगैरह इनके बारे में मुख्य बातें कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो अपन को पढ़नी है यहाँ पे। एक जब भी वीडियो अपने लाइव चले तब किस व्यक्ति के, किस स्टूडेंट के क्या कमेंट आ रहे हैं उन पे अपने को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना,
कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए उनके ऊपर, कौन क्या कर रहा है, कौन राम राम कर रहा है, कौन नमस्ते कर रहा है। स्टूडेंट ने एक बार गुड मॉर्निंग बोल के और अपनी अटेंडेंस वहाँ पे लगवा दी है, उसके बाद में उसका काम यह बनता है कि वो इसको बोर्ड की तरफ बढ़िया तरीके से देखे और पूरे मैटर के ऊपर ध्यान दे। ऐसे नहीं भाई कैसे हो आप सभी लोग, कैसे हो आप पूछने लग जाओ, दूसरी कोई लड़की आ गई, अरे भाई आप कैसे हो, ये कैसे वह कैसे, सारे ठीक हैं, ठीक है ना, तभी तो कमेंट कर रहे हैं। अगर कोई होता भी मान लो लंगड़ा लुल्ला होता तो कमेंट थोड़ी करता, बीमार होता तो यहाँ लाइव चैट में थोड़ी आता। सारे ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपको चिंता इतनी बात की होनी चाहिए कि जो बोर्ड पे लिखा है उसको मैं बढ़िया तरीके से कंप्लीट कैसे करूँ, ठीक है, इस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। बाकी सारे ठीक हैं, ठीक है, अपने को नहीं मरना है ऐसे, कौन आ गया, कैसे हो, इतने दिन कहाँ थे, क्यों भाई, क्या लेना है तेरे को, कहीं भी था और क्या, तेरे पास रोज रोज आए क्या भी, मैं यहाँ देख लो, मैं यहाँ, है ना, ऐसे नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय में अब अपन जो बात करेंगे, वल्लभ संप्रदाय का अभिवादन है श्री कृष्ण शरणम गम्मह, ठीक है, श्री कृष्ण की शरण में जाओ, ये इनका अभिवादन रहेगा। अभिवादन का मतलब रहेगा कि जब भी एक दूसरे से वल्लभ संप्रदाय के संत मिलेंगे तो इस प्रकार से वो एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है। अब देखो अभिवादन की हमने बात कर ली है, कंप्लीट हो गया अभिवादन। अब इसके बाद की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो खास बात क्या है, यहाँ पे आठ पहर पूजा होती है कृष्ण भगवान की, जिनमें भोग के टाइम, शयन के टाइम, भोग है, शयन है, ठीक है, और प्रातःकाल की है, ये सारी पूजाएं इसमें आठ दिन में आठ बार पूजा कृष्ण भगवान की जाती है। खास बात है यहाँ पे कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, कृष्ण के बाल रूप की क्या होती है, पूजा होती है। बहुत ही जरूरी बात है, कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा होती है वल्लभ संप्रदाय में, और राधा और कृष्ण दोनों को जोड़े में कपल के रूप में पूजते हैं कहां पे, निम्बारक संप्रदाय के अंदर, ठीक है, अंतर है दोनों में। अब देखो यहां इसके बाद की बात, मैं एक स्टोरी यहां पे आपको और बताने जा रहा हूं कि मूर्ति पहले वृंदावन में थी, मेन जो मूर्ति थी यहां कैसे आई, क्या कारण रहे, उसके बारे में मैं आपको यहां पे क्लियर करवा देता हूं। ये राजस्थान, चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। देखो मेन मंदिर यहां था वृंदावन में, वृंदावन यूपी में है, वृंदावन में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया। ये औरंगजेब बड़ा खराब आदमी था, औरंगजेब ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़वाने का प्रयास किया, बहुत सारे मंदिर इसने तोड़वाए थे, जेसीबी वाला काम था इसका, जो भी मंदिर दिखा उसको ऐसे कर लिया। देखो औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़वाया तब एक यहां पे पुजारी थे, नाम था दामोदर दास जी मूर्ति लेकर भाग आए कहां पे, जोधपुर के चौपासणी नाम की एक जगह पे रुके, लेकिन औरंगजेब से सारे डरते थे उस समय, बिना मतलब कोई भी पंगे नहीं लेना चाहता था, ठीक है, सारे अपना अपना बचाव करते थे। तो दामोदर दास जी को रजवाड़े में कहीं पर भी संरक्षण नहीं मिला, भगवान की मूर्ति को संरक्षण नहीं मिला। तब मेवाड़ में मतलब उदयपुर में औरंगजेब का सबसे कट्टर शत्रु था, यह है मेवाड़, ठीक है, राजा था राज सिंह ने दामोदर दास जी के पास में मैसेज भिजवाया कि ये मूर्ति आप मेवाड़ ले आइए, और मेवाड़ ले आए
अब देखो ये कहा कि आप मेवाड़ ले आए और मैं ले आइए, मैं महाराणा राज सिंह ये आपको वचन देता हूं कि मैं 1 लाख हिंदू वीरों के सिर कटवा कर भी मूर्ति के हाथ नहीं लगाने दूंगा। तब दामोदर दास जी को विश्वास हुआ और अब ये मूर्ति मेवाड़ लाएगी। मेवाड़ जो रियासत थी उसके अंदर, ये राजसमंद जिला भी मेवाड़ में आता था, राजसमंद की स्थापना राज सिंह ने ही की थी। अब क्या हुआ कि मूर्ति को स्थापित करने के लिए मंदिर चाहिए और खाली मंदिर होता नहीं था उस समय, मेवाड़ में खाली मंदिर कहाँ मिलेगा। अब खाली मंदिर नहीं था लेकिन मंदिर बनवाए तो इतना सुंदर मंदिर बनाने के लिए 1-2 साल का टाइम तो जरूर लगेगा। तब देखो कृष्ण भगवान को इन्होंने क्या काम किया, एक हवेली पड़ी थी, एक हवेली पड़ी थी, हवेली थी सिंहाड़ गांव में। कहाँ पे थी? सिंहाड़ गांव में। सिंहाड़ गांव में एक हवेली पड़ी थी और उस हवेली के अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा करवा दी गई, मूर्ति वहां रखवा दी गई। सिंहाड़ गांव में नाथ जी की मूर्ति स्थापित होने के कारण इसी सिंहाड़ गांव को साथियों हम नाथ द्वारा कहते हैं और ये नाथ द्वारा हमारा राजसमंद जिले में पड़ता है। नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले में। ये बहुत गहरी बात है कि नाथ द्वारा का पुराना नाम क्या था? सिंहाड़ था। सिंहाड़ को ही अपन आज क्या बोलते हैं? नाथ द्वारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मूर्ति हवेली में स्थापित हो गई। इसके बाद में वल्लभ संप्रदाय के जितने भी मंदिर हैं, ठाकुर जी के मतलब कृष्ण भगवान के जितने भी मंदिर हैं, उनकी आकृति जो है वो हवेली टाइप की रखी जाती है। तो यहीं से नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर अब मंदिर निर्माण की एक नई शैली का उद्भव हुआ जिसको हम कहते हैं हवेली स्थापत्य शैली। हवेली स्थापत्य शैली। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन गया कि हवेली स्थापत्य शैली कहाँ से शुरू हुई और कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है और नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय का मुख्य मंदिर बना हुआ है। यहां तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है, यहां पे स्थापित करवा दी है महाराणा राज सिंह ने। ठीक है, तो ये जो बात अभी आपको जरूरी है, जो स्टोरी बताई थी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दोबारा बता देता हूं, वृंदावन में मंदिर था, मूर्ति वहीं थी, औरंगजेब ने तोड़वाया, दामोदर दास जी मूर्ति लेकर भाग गए, जोधपुर के चौपासनी में आए, किसी ने शरण नहीं दी चौपासनी गांव में। तो मेवाड़ का महाराणा राज सिंह था, औरंगजेब का कट्टर शत्रु था, इसने दामोदर दास जी को आमंत्रित यहाँ पे आमंत्रित कर लिया और इस मूर्ति को सिंहाड़ गांव की एक पुरानी हवेली में रखवा दिया। सिंहाड़ गांव में नाथ जी का मंदिर बनने के कारण, नाथ जी की मूर्ति के कारण सिंहाड़ गांव का नाम आज नाथ द्वारा हो गया और यहाँ हवेली में ये मूर्ति रखवाई गई। तो ठाकुर जी के जितने भी मंदिर उसके बाद में बने वल्लभ संप्रदाय में, वो हवेली डिजाइन के बनने लगे। ये देखो मैंने इस प्रकार से हवेली बनाई है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में मैं आपको 2-4 बातें और बातें हैं प्रधानपीठ से संबंधित, वो बातें आपको मैं अभी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये लगभग लगभग अपना वल्लभ संप्रदाय कंप्लीट होता है यहाँ पे। एक बात लास्ट आपको मैं यहाँ पे और बताने जा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से वो बात सुनना और ये सबसे जरूरी बात है। अब की ये जो 5-4 मिनट की जो बात आपको बताऊंगा, लगभग परीक्षाओं में प्रश्न इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो याद रखना प्रधान पीठ। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ हो जाएगी? नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में। नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में। तो पहली बात तो यहां पे क्या रहेगी, कितनी बातें हैं? देखो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ? तो नाथ द्वारा। अब मैंने बात बताई कृष्ण भगवान के मंदिरों के डिजाइन कैसे बने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नया डिजाइन शुरू हुआ मंदिर बनाने का, हवेली टाइप का, हवेली स्थापत्य शैली, मंदिर निर्माण की हवेली स्थापत्य शैली। अब हवेली है, ठाकुर जी के मंदिर को हवेली कहेंगे तो गीत गाएंगे यहाँ पे कौन से, यहाँ पे जो गीत बजते हैं वो हवेली संगीत है।
चार नंबर पे अपने बात करेंगे, यहाँ पे जेवर बनते हैं साथियों, तारकशी के जेवर, तारकशी के जेवर चांदी के बनते हैं, तारों को कस कस के जाली नुमा जेवर बनते हैं, चांदी के तारकशी के जेवर। पांच नंबर पे बात है पाने बनते हैं, पाने क्या होते हैं, कागज पर देवी देवता के चित्र बने होते हैं, जैसे लक्ष्मी पूजन के समय जो चित्र लेके आते हैं कागज पे बना, वो लक्ष्मी जी का पाना होता है। छह नंबर पे बात करेंगे यहाँ पे पिछवाइयां, पिछवाइयां ठीक है, मंदिर में मूर्ति के पीछे कपड़े पे जो चित्र बने होते हैं, मूर्ति के पीछे की जो दीवार होती है उस पे कपड़े पे जो चित्र बने होते हैं वो पिछवाइयां। तो पिछवाइयां कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की। सात नंबर पे अपने बात करेंगे या मंदिर में केले के पत्तों की सजावट फेमस है, तो केले के पत्तों की सजावट को कहते हैं सांझी, केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी कहाँ की फेमस हो जाएगी, नाथद्वारा राजसमंद की फेमस हो जाएगी। इसके बाद में आठ नंबर पे यहाँ पे चीज हो जाएगी, एक डांस होता है डांग नृत्य, कौन सा, डांग नृत्य, डांग डांस ठीक है। डांग नृत्य कहाँ का, देखो देवर भाभी को रंग लगाने का प्रयास करेगा और जो भाभी होती है वो देवर को डांग से पीटती है, तो डांस का नाम पड़ा डांग डांस, डांग नृत्य ठीक है। नौ नंबर पे यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा अन्नकूट महोत्सव, कौन सा महोत्सव है, अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव कब मनाते हैं, दीपावली के अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या के अगले दिन, कार्तिक अमावस्या के अगले दिन ये अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा की जाती है। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा का प्रसिद्ध है और अन्नकूट महोत्सव में भीलों द्वारा चावल लूटने की क्या हो जाएगी, परंपरा हो जाएगी। और 10 नंबर पे लास्ट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर बड़ी फेमस है, कौन सी गणगौर, गुलाबी गणगौर। तो देखो एक नाम आया हमारे सामने, उससे रिलेटेड हमने जितनी भी बातें, टोटल 10 बातें बनती थी, वो 10 बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इनके अलावा यहाँ से कोई भी प्रश्न हमारा छूटेगा नहीं। और इस प्रकार से जब अपन जीके पढ़ते हैं, एक नाम से संबंधित सारी बातें अपने हाथों हाथ याद कर लें और इस प्रकार से पढ़ लें, तो तब जाके जीके हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से और व्यवस्थित तरीके से याद होता है। और इसके बाद में कन्फ्यूज होने वाली कभी भी दिक्कत अपने को नहीं आती है, ठीक है। ये इस प्रकार से सारी चीजें हमने सेट कर दी। एक बात 11वीं और बता दूंगा आपको मैं यहां पे कि नाथ द्वारा जो चित्र शैली है, यहां पे नाथ द्वारा चित्र शैली के अंदर क्या है, कमला और इलायची नाम की दो महिला चित्रकारों के नाम भी मिलते हैं। ये 11वीं जरूरी बात है, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में आपको चित्रकला वाले टॉपिक में और करवा दूंगा। तो देखो एक नाम आया और उसकी बाल की खाल हमने यहाँ पे निकाल ली है, कुछ नहीं छोड़ा हमने नाथद्वारा में, ठीक है। तो ये अपना संप्रदाय कंप्लीट होता है यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के बाद में ये स्क्रीन शॉट लो आप, एक छोटा सा संप्रदाय अपन और कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो अब वल्लभ के बाद में अपन नया संप्रदाय पढ़ेंगे इसमें, और नया कौन सा करें, नया अलग संप्रदाय अपने कर लेते हैं इसमें, छोटा सा कोई संप्रदाय देख लेते हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा सकूं। छोटे संप्रदाय में अपन बात कर लेते हैं आज निम्बारक संप्रदाय की, ठीक है। बहुत ही बढ़िया संप्रदाय है, नाम है निम्बारक, इसमें भी कृष्ण भगवान को पूजा जाता है, नाम क्या है, निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय चलाया था, निम्बारक का प्रवर्तक निम्बारकाचार्य है, कौन है, निम्बारकाचार्य जी। निम्बारक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन सा है, देखो कितना आसान है, निम्बारक, निम्बारकाचार्य। एक ट्रिक आपको यहां पर मैं बता देता हूं, सूत्र बता देता हूं, द्वेता नी वेदांत, ये सूत्र जरूर ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, जरूर ध्यान में रखना। निम्बारक संप्रदाय है,
प्रवर्तक निम्बारकाचार्य है, सिद्धांत द्वेता द्वेत है, किताब का नाम हो जाएगा वेदांत परिजात भाष्य। ये ट्रिक जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये ट्रिक, ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिनको हजार बार पढ़ने के बाद में भी स्टूडेंट अटकता है इन चीजों में, लेकिन आपको नहीं अटकने दूंगा मैं, क्योंकि तरीका इस प्रकार से आपके सामने है। फिर इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम है ये रहा वेदांत पारिजात भाष्य, वेदांत पारिजात भाष्य नाम है। इसके बाद में वही बात आ गई, इन्होंने सिद्धांत या जो दर्शन इन्होंने दिया था भगवान को मानने का, वो है द्वेता द्वेतवाद, द्वेता द्वेतवाद या भेदा भेदवाद, द्वेता द्वेत या भेदा भेद। द्वेत मतलब दो, द्वेत प्लस अद्वेत होता है इसका संधि विच्छेद। तो द्वेता मतलब, द्वेत मतलब दो, अद्वेत मतलब एक। मतलब ये मानते हैं कि भगवान के दो रूप भी हैं, लेकिन सही में अगर बात करें तो भगवान का एक ही रूप है। मतलब थोड़ा थोड़ा ये खुद अपने को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब देखो ये भेदाभेद हो गया। अब ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के अन्य जो नाम है वो जरूर ध्यान में रखना, हंस संप्रदाय, हंस संप्रदाय। फिर है सनकादिक संप्रदाय, हंस हंस संप्रदाय, सहसे सनकादिक संप्रदाय, सहसे सनकादिक संप्रदाय, और नारद संप्रदाय, और नारद संप्रदाय। ये इसके क्या हो जाएंगे, अन्य नाम हो जाएंगे। अब देखो इसकी सबसे ज्यादा जो खास बात है, जो एग्जाम वाला हमारे से पूछता है, ये राधा व कृष्ण की युगल उपासना करते हैं, युगल उपासना करते हैं। युगल मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, कपल होता है, ठीक है, दोनों को कपल मान के पूजते हैं, ठीक है। युगल रूप में पूजा जाता है राधा और कृष्ण को, वल्लभ संप्रदाय में इनको बाल रूप में पूजा जाता है। दोनों बातें ध्यान में रखना, ये और वल्लभ संप्रदाय वाली। इसके बाद में देखो, अभी तक राजस्थान में, अभी तक जो बात बताई है, राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधानपीठ नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में प्रधानपीठ किसने और कहां स्थापित की। तो साथियों प्रधानपीठ की बात करेंगे, प्रधानपीठ है सलेमाबाद में, सलेमाबाद कहां पड़ता है, किशनगढ़ में, किशनगढ़ कहां है, अजमेर। और याद रखना ये वही किशनगढ़ है, ये वही किशनगढ़ है और जिसका सलेमाबाद, ये किशनगढ़ जहां से, किशनगढ़ से रूपनगढ़ नदी निकलती है, रूपनगढ़ नदी निकलती है कहां से, किशनगढ़, किशनगढ़ मार्बल मंडी भी है, ठीक है, मार्बल मंडी भी है। और किशनगढ़ में गुजरों का चरी नृत्य भी प्रसिद्ध है, और चरी नृत्य की नृत्यांगना फलकुबाई है, किशनगढ़ की बातें। अब सलेमाबाद में पीठ का संस्थापक कौन है, संस्थापक विस्थापना किसने की, देखो 36वें निम्बारकाचार्य हुए, बहुत सारे निम्बारकाचार्य हुए हैं आज तक, तो 36वें नंबर के निम्बारकाचार्य जिनका नाम था परशुराम, परशुराम आचार्य, ठीक है। तो देखो संस्थापक कौन थे इस पीठ के, 36वें निम्बारकाचार्य थे जिनका नाम परशुराम आचार्य था, और इनका जो गांव था ठिकरिया, क्या गांव था, ठिकरिया, और ठिकरिया गांव था साथियों सिक्कर में, ठिकरिया कहां था, सिक्कर में ठिकरिया गांव था। 36वें नंबर का निम्बारकाचार्य का मतलब हो जाएगा ये पहला निम्बारकाचार्य जो वास्तव में थे वो थे। उसके बाद में मान लो सुनील नाम का उनका कोई चेला गद्दी पे बैठा, तो नाम तो सुनील है लेकिन निम्बारकाचार्य सेकंड हो गया। फिर प्रदीप नाम का कोई गद्दी पे बैठ गया, तो नाम तो वो डॉक्यूमेंट में तो प्रदीप है लेकिन निम्बारकाचार्य थर्ड कहलाया। ऐसे करते करते 36वें नंबर का निम्बारकाचार्य जो है परशुराम आचार्य ठिकरी गांव सीकर के थे, जिन्होंने सलेमाबाद में इस पीठ की स्थापना की थी। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स अपनी इतनी बातें करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।